हेलो एंड वेलकम टू जेके रखान। सो फ्रेंड्स, फाइनली योर राउंड वन काउंसलिंग अंडर प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख स्टूडेंट्स अंडर सेशन 2022 टू 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड। नाउ ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड देयर चॉइसिस नाउ नीड टू चेक द एलोकेशन ऑफ कॉलेज इन द प्रोविजनल राउंड वन काउंसलिंग लिस्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को एलोकेशन हो चुकी है, उनको कॉलेज मिल गया है, उनके नेक्स्ट कौन कौन से स्टेप रहेंगे, उनको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, और जिन कैंडिडेट्स को कोई भी कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है उसके लिए आपका राउंड टू काउंसलिंग कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो किस बेसिस पे कंडक्ट होगा, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एलोकेशन हो चुकी है, उनको कॉलेज मिल गया है, कॉलेज दूर मिला है, तो उनके फर्दर क्या स्टेप्स रहेंगे अगर वो अपने कॉलेज जो है वो चेंज करवाना चाहते हैं, अपना कोर्स चेंज करवाना चाहते हैं। ये सारी फ्रेंड्स डिटेल्स हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और साथ में फ्रेंड्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें आपका कट ऑफ कितना रहा है। कट ऑफ यानी कि लास्ट कौन से वाले रैंक कैंडिडेट्स को यहाँ पे जनरल कोर्सेज के अंडर या फिर प्रोफेशनल कोर्स के अंडर एलोकेशन हुई है कॉलेज और कोर्स की, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंडर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कट ऑफ रैंक वाइज क्या रहा है, वो भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, लिस्ट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके राउंड वन की जो आपकी प्रोफेशनल अलॉटमेंट है कॉलेज की, उसकी लिस्ट जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्दर डिस्कशन से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज मिल गया है उनको फर्दर जो है वो स्टेप परफॉर्म करने हैं आज ही की डेट में। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2022, तो आपको आज ही जो है फ्रीज या फ्लोट करना। मैं तो आपको दोनों समझा देता हूँ, फ्रीज और फ्लोट आपका क्या रहता है। फ्रीज का मतलब ये है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आप लॉक कर रहे हो और उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन लेना चाहते हो। कब तक लेनी है, उसकी क्या डेट रहेगी, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले फ्रीज का आपका ऑप्शन ये है कि आप लॉक कर रहे हो, वहाँ पर आप सीट जो है वो लॉक कर रहे हो, वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले लोगे। और फ्लोट का आपका ये ऑप्शन रहता है कि आप जो है जो कॉलेज आपको मिला वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अगर फ्रेंड्स आप फ्रीज या फ्लोट कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है वो दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाएगी जिसको एलोकेशन नहीं हुई है। तो आज ही की डेट में आपको ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना ही करना है, अदरवाइज आपको फर्दर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस इंफॉर्मेशन पर आप काफ़ी एम्फोसिस करें, काफ़ी स्ट्रेस डालें। फर्दर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं कल की डेट में यानी कि 8 सितंबर 2022 को उनकी सीट्स कैंसिल हो जाएंगी। और फ्रेंड्स जो आपकी सीटें कैंसिल बचेंगी, कितनी सीट्स आपकी रहती हैं, 5000 रहती हैं, 1000 रहती हैं, 2000 रहती हैं, जितनी भी आपकी सीट्स रिमेनिंग रहेंगी, फिर उन सीट्स पर फ्रेंड्स आपकी दोबारा से जो है वो राउंड टू काउंसलिंग कंडक्ट होगी। और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी एलोकेशन नहीं हुई है उनको फिर चांसेस रहेंगे एलोकेशन होने के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स अपनी सीट को फ्रीज करते हैं उनको जो है जो भी कॉलेज उनको मिला है 15 सितंबर 2022 तक उनको वहाँ पे फिजिकल ज्वाइनिंग करनी है। लेकिन फिजिकल ज्वाइनिंग करने से पहले आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि आपको परफॉर्म करनी है फ्रीज का बटन दबाने के बाद, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फर्दर आपको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिस्ट को ओपन कर लेते हैं, आपको अपना यहाँ पे एलोकेशन का नाम कैसे चेक करना है वो डिस्कस कर लेते हैं, और आपका कट ऑफ यहाँ पे कितना रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कि कितनी सीट्स पर कॉलेज में रहती हैं जर्नल के अंडर और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंडर, और आपका एलोकेशन का क्राइटेरिया क्या रहता है, मेरिट बेस्ड रहता है, और जो आपने CUET का एग्ज़ाम दिया था जिसमें यानी कि कुछ कॉलेजेस में आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो उसका क्राइटेरिया भी जो है वो कंसिडरेबल होता है जब आपको एलोकेशन सीट की रहती है। और ज़्यादा एम्फोसिस आपकी रहती है कि आपका जो मेरिट है वो आपके 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे बेसिकली रहता है। फर्दर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो यहाँ पे कट ऑफ रहा है जिन कैंडिडेट्स को एलोकेशन हुई है कॉलेजेस की, ओपन मेरिट का आप देख सकते हैं जनरल कोर्सेज के अंडर 18,822, प्रोफेशनल के अंडर 8,660। ये फ्रेंड्स आपका लास्ट कैंडिडेट है जिसको एलोकेशन हुई है प्रोफेशनल के अंडर और जनरल के अंडर। दिव्यांग कैंडिडेट का आप देख सकते हैं SC ST और SC BC का सिमिलरली फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो रैंक मेंशन है, इस वाले रैंक को जो है लास्ट एलोकेशन इस पर्टिकुलर कोर्स के अंडर या फिर स्पेसिफिक आपकी कैटेगरी के अंडर एलोकेशन हुई है। तो जिन स्टूडेंट्स को एलोकेशन नहीं हुई है उन स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम नहीं होगा, केवल जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एलोकेशन हुई है उन्हीं कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम रहेगा। तो आप डायरेक्टली अपना यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं और डायरेक्टली अपनी यहाँ पे कैंडिडेट आईडी भी सर्च कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप अपना नाम या फिर कैंडिडेट आईडी डाल के अपनी एलोकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रैंक वन रैंक टू तमन्ना गुप्ता जर्नल स्ट्रीम में इनको यहाँ पे कॉलेज मिला है, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम मिला है और दिल्ली में मिला है। और कॉलेज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज है, अच्छा कॉलेज उनको मिला है। सिमिलरली आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की एलोकेशन देख सकते हैं और अपना भी चेक कर सकते हैं कि आपको एलोकेशन क्या मिली है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिला है ये और कितने कैंडिडेट्स को मिला है वो आपको चेक करना है। तो डायरेक्टली आप उस कॉलेज का नाम यहाँ पे सर्च करोगे, कॉलेज का पूरा नाम यहाँ पे सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट्स में यहाँ पे आ जाएगा कि वो कॉलेज कितनी बार इस लिस्ट में है। जितनी बार इस लिस्ट में होगा उतनी बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कॉलेज कौन कौन से स्टूडेंट को जो है वो एलोकेट हुआ है। और फर्दर आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर अपने एडमिशन कन्फर्म करने का जो प्रोसीजर है, वहाँ पर पहुँचने का, जाने का, आने जाने का जो भी क्राइटेरिया है वो आप फर्दर जो है वो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका बेसिक क्राइटेरिया था कि आपको अपनी नाम कैसे चेक करना है, एलोकेशन आपको कैसे चेक करनी है। फर्दर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं जिन स्टूडेंट्स को एलोकेशन हो चुकी है फ्रीज का बटन दबाने के बाद। तो फ्रेंड्स जब आप यहां पे फ्रीज कर लेते हो इट मींस कि आप उस कॉलेज में जा रहे हो, फ्रीज का बटन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा अगर आपको एलोकेशन हुई है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फ्रीज का बटन आपका जो है जैसे आप लॉग इन करोगे आपके बॉटम पेज पे जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा उसके बॉटम साइड पे आपका जो है डायरेक्टली फ्रीज करने का ऑप्शन होगा, फ्लोट करने का ऑप्शन होगा और नॉट इंटरेस्टेड इन PM SSS। अगर आप नॉट इंटरेस्टेड कर लेते हो तो आप राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर आप फ्लोट करते हो फिर ही आप राउंड टू में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आप फ्रीज कर लेते हो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में आपको जो कॉलेज मिला है उसका नाम होगा और उसके बाद आपको जो है अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिल जाता है फिर फ्रेंड्स आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं पोर्टल पे। जैसे आप फ्रीज करते हो नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रोसीजर प्रैक्टिकली भी जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने प्रोसेस को प्रोसीड कीजिए। आपको यहाँ पे TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको अपने स्कूल से मिला होगा ये दो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको जो है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप अपनी मार्कशीट जो है क्लास 12th की और 11th की फ्रेंड्स अपलोड करोगे। जब आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हो, सबमिट कर लेते हो, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज के पास चले जाती है। ये प्रोसेस फ्रेंड्स आपको कॉलेज में फिजिकली जाने से पहले करना है, यानी कि जब आप वहाँ पे फिजिकल रिपोर्ट करोगे उससे पहले आपके पास एक लेटर होना चाहिए जो कि आपको मिलेगा जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हो कॉलेज की तरफ से फ्रेंड्स आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल पे ही। जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर मिला ऐसे जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लोगे उसके बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका जो इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज जो आपको एलोकेट हुआ है उनकी तरफ से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है वो ज्वाइनिंग लेटर लेके और साथ में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जो है एक हफ्ते के अंदर यानी कि 15 सितंबर 2022 के अंदर अंदर वहाँ पे जाके अपनी सीट को जो है फिजिकली कंफर्म करना है। अगर आप सीट अपनी कंफर्म नहीं करते हो, सिर्फ फ्रीज कर लेते हो, डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हो, फिर भी फ्रेंड्स आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे तो इंस्टीट्यूट या फिर आपका जो कॉलेज है वो रिपोर्ट करेगा AICTE को कि कैंडिडेट ने फिजिकली ज्वाइनिंग कर ली है, फिर आपकी जो है आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी, फिर आप अपना कोर्स वहाँ पे फर्दर परसू कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक प्रोसेस और शुरू करनी है जिसको DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसी प्रोसेस के अंडर फ्रेंड्स आपको जो है फर्दर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे यानी कि स्कॉलरशिप आएगी। तो आपको DBT के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपना आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंकिंग डिटेल्स, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप
डायरेक्ट बेनिफिट प्रोसेस के अंडर ही फ्रेंड्स आपको प्रोसीड करना होगा। ये वाली आपकी प्रोसेस इनिशिएट तब होगी जब आप फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, उसके बाद आपका DBT प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। वो आप जहाँ पे आपको कॉलेज मिला वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। ये वाले डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जब स्कॉलरशिप आएगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये प्रोसीजर था जिन कैंडिडेट्स को एलोकेशन हो गई है। जिन कैंडिडेट्स को कोई एलोकेशन नहीं, कि कोई कॉलेज नहीं मिला है, चाहे उनका रैंक कम हो या फिर उन्हें चॉइसेस कम भरी हो, कोई भी आपका कारण हो सकता है, या फिर आपका CUET में आप अपीयर नहीं हुए हों, जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे उसमें CUET जो है वो मैंडेटरी एडमिशन लेने के लिए, या फिर इसमें आपको कोई भी जो है वो फैक्टर हो सकता है आपको नॉन एलोकेशन का। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, जिन कैंडिडेट्स को एलोकेशन नहीं हुई है उनको दोबारा से राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वो कब मिलेगा वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा से हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि आपको दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जब आपकी राउंड 1 में जो सीटें खाली बचेंगी। अब खाली कैसे बचेंगी, सपोज कैंडिडेट्स फ्रीज कर जाते हैं, फिजिकल ज्वाइनिंग नहीं करते, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज पसंद नहीं आता वो फ्लोट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स कोई एक्शन नहीं लेते, तो इन कारणों की वजह से जो आपकी सीट्स बच जाएंगी फिर उन सीट्स पे आपकी दोबारा से राउंड 2 में काउंसलिंग कंडक्ट होगी। सेम आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है और फिर सिमिलरली आपको रैंक बेसिस पे जो है दोबारा से राउंड 2 में काउंसलिंग होगी। और जिन कैंडिडेट्स को राउंड 1 में काउंसलिंग नहीं, कोई कॉलेज की एलोकेशन नहीं हुई है, उनको मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, पिछले ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको ये बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिन कैंडिडेट्स को राउंड 1 में, अच्छा मेरिट है उनका लेकिन उनको राउंड 1 में कोई एलोकेशन नहीं हुई है, या फिर उनका रैंक जो है वो थोड़ा सा हाई है जितना यहाँ पे मेरिट गया है, तो उनको चांसेस रहते हैं कि राउंड 2 में उनका एलोकेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली आपका राउंड 1 काउंसलिंग का जो है उसकी लिस्ट आपकी डिक्लेयर हो चुकी है, स्टूडेंट्स को कॉलेज की एलोकेशन हो चुकी है, अगर जिनको नहीं हुई है वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट परसिस्ट कर रही है जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस ना की हो, यू कैन पुट योर क्वेरी इन दैट कमेंट सेक्शन, वी शैल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद इन अ पॉसिबल टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।